वैसे आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप भी अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं और यदि गाइस आपको नॉट एलिजिबल का यहाँ पर प्रॉब्लम शो कर रहा है और यदि गाइस आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो गाइस आप इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो गाइस जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, इससे कि गाइस ने आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइस सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते गए हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। फिर गाइस आपको यहाँ पर नीचे की साइड अकाउंट वाला ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पर गाइस आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गाइस आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर ही एक ऑप्शन शो करेगा फ्लिपकार्ट पे लेटर का, तो यहाँ पर गाइस आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस आपको यहाँ पर शो कर रहा है नॉट एलिजिबल फॉर फ्लिपकार्ट पे लेटर। तो यहाँ पर गाइस यदि गाइस आपको भी कुछ इस टाइप का ऑप्शन शो कर रहा है तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मीन्स गाइस आप सिर्फ इस प्रॉब्लम को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो गाइस इसका क्या सोल्यूशन है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट पे लेटर का यहाँ पर जो नॉट एलिजिबल का प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि गाइस यहाँ से गाइस यदि गाइस आपने फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर बुक किया है और यदि गाइस आप उन ऑर्डर्स को बार बार कैंसिल कर रहे हैं या फिर गाइस आप फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर कर तो नहीं रहे हैं पर फिर भी गाइस आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो गाइस आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट नहीं होगा। इसके अलावा गाइस आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है सबसे पहले गाइस आपका जो सिबिल स्कोर जो है उसे चेक करता है। तो यदि गाइस आपका सिबिल स्कोर अच्छा है 600 से 700 के बीच में है तभी गाइस आपका जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है वो यहाँ पर आपको एलिजिबल बताएगा। इसके अलावा गाइस यदि गाइस आपने फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर बुक किया है और गाइस आपने उसे कैश ऑन डिलीवरी करके कैंसिल कर दिया या फिर गाइस किसी भी टाइप से आपने उसे कैंसिल कर लिया, आपने कोई भी ऑर्डर यहाँ पर रिसीव तो किया ही नहीं है, एक दो ऑर्डर चलो बाय मिस्टेक आपने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए और फिर भी गाइस यदि गाइस आपने बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए तो फ्लिपकार्ट समझ जाता है कि गाइस आपको जो फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं कराएगा। गाइस तो यहाँ पर गाइस यदि गाइस आप भी अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर में यदि गाइस आपको नॉट एलिजिबल की कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम शो कर रही है तो गाइस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गाइस आपको इसमें अपना जो सिबिल स्कोर है उसे गाइस बिल्कुल ही ध्यान से रखना है और यदि गाइस आपने कोई भी लोन वगैरह लिया है तो यहाँ पर उसकी ईएमआई जो है टाइम से पे करनी है। इसके अलावा गाइस आप यहाँ पर कोई भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हैं तो उस ऑर्डर को गाइस आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर गाइस फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान ऑर्डर करते रहना है तभी गाइस आपका जो फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो पाएगा। गाइस तो इस तरह से गाइस यदि गाइस आपको भी फ्लिपकार्ट पर फ्लिपकार्ट पे लेटर में नॉट एलिजिबल की प्रॉब्लम शो कर रही है तो गाइस कुछ इस टाइप से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गाइस तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो चला हो और वीडियो चला हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस ताकि गाइस आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइस।